अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बस हमारी रजाई के स्पर्श से हमने अच्छे अच्छे मरीजों को ठीक किया है। आपका गला क्या है? वो भी ठीक हो जाएगा। इधर आइए, जीभ दिखाइए। दादी आ करिए, जीभ निकालिए ना बाहर। बस घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। खाटू जी बस सब सही कर रहा। बुढ़िया मेरे प्लान की बात कर रही थी, यहाँ तो पूरी फंस गई। ओ माल तो फाल तो रजाई, अपना चमत्कार दिखा तो। ओ फालतू फालतू इधर घुमाया उधर घुमाया, राजे ने अपना चमत्कार दिखा। रोमिल जी जो ये सब ये क्या कर रहे हैं? फालतू फालतू इधर घुमाया दादी, ये क्या बदतमीजी है? ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी माँ है। दादी जी उठिए उठिए दादी जी। अरे पर ससुर जी, इनके मुंह से आवाज निकली। सबने सुनी ना अभी? हाँ मैंने भी आवाज सुनी थी। मैं तो कहता हूँ बाबा जी को अपना काम करने दो, और वैसे भी जो काम शुरू किया हो ना उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। लगता है दादी के कर्मों का हिसाब ये बाबा पूरा करके ही जाएगा। बस अभी हमारा अगला इलाज रामबाण है। रामबाण मैं अब कुछ ऐसा करूंगा जिससे इनकी आवाज तो क्या ये पट पट बोलने लगेंगी, अरे भजन गाने लगेंगी। माता जी की जुबान में जैसे ये मंत्रित किया हुआ गरम कोयला जाएगा, ये सर से इनकी आवाज बाहर आएगी। मुंह खोलिए माता जी। दादी मुंह खोलिए तभी आवाज वापस आएगी ना। सासू माँ बोलिए ना कुछ। माँ जी मुंह खोलिए माता जी। मुंह खोलिए मुंह खोलिए। भगवान मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान चल गई। तो दादी की तो सच में आवाज वापस आ गई, बाबा जी ने तो चमत्कार कर दिया। जय हो बाबा जी की। जय हो बाबा। ये तो वाकई बाबा चमत्कार ही है। जय मेरे बाबा की। जय। जुबान खोलिए माता जी। दादी मुंह खोलिए तभी आवाज वापस आएगी आपकी। बस अगले दो मिनट बाद आप कोयल की तरह गाने लगेंगी।
माँ जी मुँह खोलिए मुँह खोलिए। अरे भाजी मुँह खोलेंगे तभी आवाज वापस आएगी। आ, आ। आवाज अगर वापस आई तो इस रूही को सब माफ कर देंगे और मेरी इतनी दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इस बाबा से कैसे निपटू? अभी आवाज निकाल दी तो सबको लगेगा कि मैं नाटक ही कर रही थी। करूं तो क्या करूं? माँ जी मुँह खोलिए ना तभी तो आवाज वापस आएगी। एक बार मुँह खोलिए ना माँ जी। आ आ आ आ। किया रूही जी आपने, बाबा जी की पूरी विधि बिगाड़ दी। किसी ने आज तक हमारा ऐसा घोर अपमान नहीं किया। माफ कीजिएगा बाबा जी, मेरा इरादा आपका अपमान करने का नहीं था, लेकिन मैं इस अंधविश्वास को भी नहीं देख सकती। बल्कि जो बच्ची कुछ ये आवाज है वो जरूर जा सकती है। लेकिन रूही, रूही की बात से बिल्कुल सहमत हूं। क्या ये सब? क्या ये सब? रूही ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। रोमिल जी जो मैंने आपको मना किया था ना, मुझे ये सब नहीं पसंद, मैं ये सब नहीं मानता, फिर क्यों बुलाया इस बाबा को? कर देना आपने पराया करने वाली बात साले साहब। अरे मैंने हमेशा से खुद को इस घर का बेटा माना है, दामाद कभी नहीं समझा। मुझे हमेशा से इस घर की, इस घर के लोगों की और दादी की फिक्र है, भलाई चाहता हूं मैं, इसीलिए बाबा जी को बुलाया था ताकि इनकी आवाज वापिस आ सके। लेकिन नहीं, आपको तो लगता है मैं इस घर का दुश्मन हूं। मेरी कहीं किसी बात की वैल्यू है ही नहीं इस घर में। रोमिल जी जो प्लीज बात को घुमाइए मत और माफ कीजिए, आपका ये बाबा एक नंबर का ढोंगी लगता है मुझे। बस चार किताबें क्या पढ़ ली, मुझे ढोंगी कह रहा है। अच्छा कहां से डिग्री ली तुमने? हाँ कितनों को बचाया तुमने? कहां लिखा है कि जलता हुआ कोयला मुंह में डालकर आवाज वापस लाई जाती है? बताइए। अपने आरोप अपने पास रखिए, हमारे इतने भक्त हैं कि उनको एक आवाज लगाएंगे तो यहां आकर आपके इस घर को चला देंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी दे रहे हो? नहार बेटा तू रुक, अभी बताता हूं। ला इधर नहार। अब सच सच बता, कितनों को ठीक किया तुमने इस जलते हुए कोयले से? बोल। जल्दी बता वरना ये जलता हुआ कोयला तेरे ऊपर डाल दूंगा। क्या हुआ, डर क्यों रहा है? पूरी दुनिया को ठीक करता है ना इस कोयले से, अब डर क्यों रहा है? बोल। अब खुद पर तो देख क्या असर होता है। चल बता, अगर जलते हुए कोयले से कोई नुकसान नहीं होता है तो ये पहले खुद इस्तेमाल करके दिखा। समर हाथ पकड़ इसका, हम भी देखते हैं इसका मैजिक। बता बता। साहब माफ कर दो साहब, ये सब ढोंग था। हम अमीरों के जाते हैं, जादू टोना करते हैं, पैसे कमाते हैं। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। चलो रे, चलो दोबारा लिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। भाग यहां से। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।